हेलो, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू द क्वालिफाइड विशाल। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो बता रहे हैं कि कट ऑफ 15 बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा, 12 बढ़ेगा, 14 बढ़ेगा, मतलब जो 10 के ऊपर बता रहे हैं उनके लिए ये जवाब है। तो भैया ये वीडियो वो लोग जरूर ध्यान से देखेंगे, चाहे वो स्टूडेंट हुए या फिर चाहे यूट्यूबर्स हुए या फिर वो ऐसे जो कट ऑफ की गणतज्ञ हुए, जो बुद्धिजीवी हुए, उनके लिए ये वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मैं क्या बताना चाहता हूँ ये देखना। कल एक बंदा मेरे को कमेंट ये किया कि भाई तेरे कहने से इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, कट ऑफ 10 से 15 नंबर बढ़ेगी। मैं बोला भाई किस बेस पे तू बात कर रहा है, उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो बोला है बढ़ेगी क्योंकि कट ऑफ कम गई है। ये क्या रीज़न होता है कट ऑफ कम गई है तो कट ऑफ बढ़ेगी? मुझे ये बताओ भाई, जब तुमको पता है कि बच्चे, मैं एक पोल डाला अपने टेलीग्राम चैनल पर कि भाई 90 प्लस वाले कितने बच्चे हैं, प्लीज़ एक बार कमेंट कर दें। एक बंदा केवल अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया अपने स्कोर कार्ड का, वो भी बोनस वाला 5 मार्क उसको मिलने के बाद, तब उसका 92 हुआ था। वरना नो कोई भी सिंगल बच्चा मुझे ऐसा नहीं मिला जिसके नंबर 85 या 90 भी हों। ठीक है, कुछ बच्चे हैं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, नहीं है, लेकिन बहुत कम बच्चे हैं वैसे। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे करीब करीब 200 स्क्रीनशॉट, 150 से लेकर 200 स्क्रीनशॉट के स्कोर कार्ड शेयर किए गए। भाई किसी बंदे के मैंने देखा कि किसी का 90 नंबर हो। तो भाई कट ऑफ कैसे 15 नंबर बढ़ेगा, कैसे 20 नंबर बढ़ेगा, तुम्हारे कहने से कैसे बढ़ सकता है? डाटा पे बात करो ना, आप तो अंदाजे से बात करते हो कि भैया 10 नंबर बढ़ेगा, 15 नंबर बढ़ेगा, आप वही पिछला वाला देख के आ गए हो। ऐसा मत करो यार, बच्चों को मत डराओ। आप आगे ऐसे तो बोल देते हो, बच्चा थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है, वो फिजिकल की तैयारी अच्छे से नहीं करता है। आपके बोलने से यार किसी के जीवन को फर्क पड़ सकता है। अभी मान लो आप बोल रहे हो 10-15 बोल रहे हो और फिजिकल की तैयारी वो ना करें, फिर वो जाए फिजिकल देने, फिजिकल में वो डिसक्वालीफाई हो जाए क्योंकि वो डिमोटिवेट था, उसको नहीं लग रहा था कि उसका निकलेगा। और फिर पता चले कि फिजिकल के बाद जो फाइनल मेरिट है वो केवल 3 या 4 नंबर ही बढ़ा, फिर आओगे आप उसको नौकरी देने? ना तुमको अपने आप को माफ़ कभी कर पाओगे, ना वो खुद को माफ़ कर पाएगा, क्योंकि किसी इतनी मुश्किल से तो रिटर्न बच्चा निकालता है, उसको पता है कैसे रिटर्न निकालता है। और आप बात कर रहे हो उसको, ये कह रहे हो कि 10-15 नंबर बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा? डाटा पे बात करो ना, डाटा दो ना मुझे, कैसे बढ़ेगा जब बच्चों के नंबर ही नहीं है तो कैसे बढ़ जाएगा? इट इज़ इम्पॉसिबल यार। बिना वजह आप ऐसे बात मत किया करो, डाटा पे बात किया करो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ ना, अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की बात कर रहा हूँ, अगर मैं यूपी स्टेट की बात करूँ ना, तो प्लस 5 नंबर है ना, तो लिख के ले ले भाई, तेरा होगा। मैं लिख के बोल रहा हूँ, अभी सीना ठोक के बोल रहा हूँ, हो जाएगा तुम्हारा। आप बिना वजह किसी के चक्कर में पड़ोगे ना, फिर आपके आपके नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होगा। फिलहाल आपके स्क्रीन पे आपके कुछ स्क्रीनशॉट शेयर हो रहे हैं। देखो ये एक नंबर मिला आपको 81 वाला, ठीक है, ये 81 वाला मिला, 70 वाला मिला, ध्यान से देखते जाना, 44 वाला मिला, ठीक है, 48 वाला मिला। देखो भैया स्क्रीनशॉट, ये ऐसे बच्चे हैं ना जिनका, इसमें आपको मैक्सिमम बच्चे वैसे मिलेंगे ना जो पिछली बार क्वालिफाई किए थे जीडी को, कहीं फिजिकल में बाहर हो गए, कहीं मेडिकल में बाहर हुए, कहीं फाइनल मेरिट में बाहर हुए हैं। तो ऐसे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के नंबर कम आए हैं। तो कहाँ से यार प्लेनेट से उठा के लाओगे क्या, दूसरे देश से उठा के लाओगे क्या कि हाँ भैया ये नंबर 90 नंबर वाला है, इसको आगे रख दो? ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो नंबर देखते जाओ भैया, किसी के नंबर 90 दिख जाए ना तो बता देना मुझे, 77, चलो देखो आज 75। ये सब तेज बच्चे हैं, फालतू वाले नहीं हैं, 17। मैथ में इनके मार्क्स देख लेना, इसी से चलता है कि क्या लेवल है इन बच्चों का। 74 देखते जाओ, 74 क्या ही मैं दिखाऊं तुमको, 49, 49 अगेन, 49 आ जाओ, 76 देखो, अगर किसी के 90 दिख जाए ना तो बता देना भाई, 66, 64 अगर मैं दिखाता जाऊँ ना तो पूरी वीडियो ही ख़त्म हो पाएगी, आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी, 78। तो यार इन सब चीज़ों पे तो भरोसा करो, डाटा पे तो बात करो, कहाँ से लाओगे तुम 90 नंबर, कहाँ से बढ़वाओगे तुम 15 नंबर, बताओ मुझे। तो प्लीज़ यार बेवजह मैं आप लोग से कहना चाहूँगा, जो वीडियो, जो सीरियस स्टूडेंट है जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना, प्लीज़ आप इनके चक्कर में मत पड़ो यार, अपनी तैयारी अच्छे से करो, फिजिकल की तैयारी करके 4 नंबर 5 नंबर प्लस में ना तुम्हारे, तो भैया गारंटी है तुम्हारा। आप 1-2 नंबर वालों की बात नहीं करूँगा, 1-2 नंबर वाले तो नहीं होंगे, ये सबको पता है, जिनके 2 नंबर हैं उनके नहीं होने वाले हैं फिजिकल में, फाइनल में। तो ये चीज़ का बेहद ख्याल रखें। और जो ये बच्चे बोल रहे हैं ना भैया कि नहीं बढ़े 10-15 बढ़ेंगे ना, उन्हीं के लिए वीडियो है, वीडियो को देख लेना। और हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई डाटा हो ना तो टेलीग्राम पे आके शेयर कर देना, टेलीग्राम पे बिंदास उपस्थित रहता हूँ, हमेशा लाइव रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जो नहीं ज्वाइन किए हैं लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो भी परेशानी आप वहाँ पे आके शेयर कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी हो पूछ सकते हो आगे। अभी के लिए चलता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, फिजिकल की अच्छी से तैयारी करिएगा, ठीक है, और अपना फिजिकल का जो आपका डाटा है वो आप शेयर करिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है, टेलीग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।